उत्तर भारत के मैदानी राज्यों के अलावा पहाड़ी राज्यों में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने का अनुमान लगाया है। इसके बाद तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। हालांकि मध्य और पूर्वी भारत अगले 3 दिनों तक उच्च तापमान से जूझता रहेगा और उसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं राजधानी दिल्ली में एक्सट्रीम हीट वेव ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। दिल्ली में आज भी भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी है। कल यानी 19 जून से दिल्ली में मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 19 और 20 जून को गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा और दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं पंजाब हरियाणा में भी आज से अगले 2 दिन तक रेड अलर्ट जारी है। हिमाचल में भी गर्मी से बुरा हाल है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान 20 जून तक असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश से लेकर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है, जिससे जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। मौसम से जुड़े ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहें किसान तक।